वेलकम टू द चैनल गाइस। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और आज हम लोग मल्टीविटामिन पिल्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो पिल्स हैं या जो सप्लीमेंट्स हैं ये हर जगह मिलते हैं, आपके केमिस्ट स्टोर से लेकर आपके हेल्थ स्टोर से लेकर कहीं पर जनरल स्टोर से भी मिलने शुरू हो गए। मैं इनका बिल्कुल भी फैन नहीं। क्यों एक मल्टीविटामिन पिल लेना इज अ वेस्ट ऑफ मनी, ये इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप प्लीज चेक कर सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो इस चीज के बारे में नहीं है। आज का वीडियो का जो रीजन वो ये है कि इंडियन मार्केट में इस टाइम पे बहुत सारे मल्टीविटामिन ब्रांड्स आ गए। जो थोड़े महंगे ब्रांड्स हैं वो अपने आप को ये बोल के डिफरेंशिएट करते हैं कि हम नेचुरल हैं, हम थोड़े नेचुरल फूड सोर्सेज से आते हैं, इसलिए वी आर गुड, वी आर बेटर, और हमें खाने से आपकी सेहत को बहुत फायदे मिलने वाले। तो गाइस आज मैं बात करूंगा कि एक्चुअली जो अलग अलग मल्टी वाइटामिन अवेलेबल है, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा, ये बनते कैसे हैं। तो एक बार हमें पता चल जाए कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं क्या, उसके बाद हम खुद अच्छे गाइड हो जाएंगे कि हमें इनको लेना चाहिए कि नहीं, इन पर पैसे खर्च करने चाहिए या नहीं। सो गाइस लेट्स डू दिस। जो महंगे मल्टीविटामिन हैं उनके ऊपर ये लिखा होता है कि वी कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। अब गाइस पर्सनली जब मैंने सबसे पहले मल्टीविटामिन टैब लिया था या टैबलेट ली थी, तो मेरा जो परसेप्शन था वो ये था कि ये लोग क्या करते होंगे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को उनका जूस है कॉन्सेंट्रेट बना देते होंगे, उनका पाउडर बना के उसकी टैबलेट बना दी और हमने खा दी। तो इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि हम एक मल्टीविटामिन टैबलेट लें। लेकिन जब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल सोर्सेज, अब फर्स्ट थिंग्स, ये जो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है ये सिर्फ 5-10% मैन्युफैक्चरर्स यूज करते हैं, उससे भी कम, क्योंकि थोड़ी महंगी होती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि मैं विटामिन ई की बात करता हूँ। विटामिन ई सोयाबीन से बहुत आता है, तो सोयाबीन को अच्छे से निचोड़ के उसको प्रेसिपिटेट करके और भी काफ़ी सारी प्रोसेसेस करके एंड रिजल्ट थोड़ा कॉन्सेंट्रेट बच जाता है एक भूसा टाइप सा, उसमें से विटामिन ई कॉन्सेंट्रेट निकाला जाता है और वो टैबलेट में डाला जाता है। स्टिल फेयर है ना, विटामिन ई तो मिल रहा है, लेकिन ये जो परसेंटेज है 10% ज़्यादा कभी भी नहीं होती। तो ये सो कॉल्ड नेचुरल पिल उसमें भी 10% ज़्यादा नेचुरल कॉन्सेंट्रेट नहीं है, तो बाकी सिंथेटिक कॉन्सेंट्रेट जो कि लैब में बनता है। तो आपका नेचुरल पिल 90% वो है सिंथेटिक है और 10% सो कॉल्ड नेचुरल है। अब जो दूसरी टेक्निक है जो काफी सारे लोग या काफी सारे सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा यूज करते हैं अपने पिल्स बनाने के लिए, अपने सप्लीमेंट्स बनाने के लिए, उसे बोलते हैं नेचर आइडेंटिकल सिंथेसिस। अब इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए जैसे विटामिन सी की टैबलेट मुझे बनानी है और मैं एक सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर हूँ। अब विटामिन सी में सोचता हूँ नेचर में नींबू में मिलता है, थोड़ा आंवले में होता है, ऑरेंजेस में होता है, तो मैं सोचता हूँ मैं उनसे क्या करूँगा निकाल के, प्रोसेस भी बहुत महंगा होता है, काम करता हूँ उसे मैं लैब में बना देता हूँ। सबसे पहली बार लैब में जो विटामिन सी बना था वो 1960s में बना था। अब इसमें क्या होता है कि लैब में बिल्कुल जैसे असली विटामिन सी दिखता है, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड होता है एक काफ़ी मेजर पार्ट विटामिन सी का, उसके बिल्कुल आइडेंटिकल दिखने वाला, मतलब स्ट्रक्चरली बात करूँ और केमिकली बात करूँ तो सेम चीज बन जाती है। लेकिन गाइस जब ये बॉडी में जाती है, ये जो सिंथेटिक विटामिन सी होता है, सिंथेटिक और मल्टी विटामिन्स होते हैं, इनका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो बहुत ही पुअर है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर एक आइडेंटिकल चीज बना दी, जैसे मैं एक संतरे की एग्जांपल लेता हूँ, संतरे में विटामिन सी होता है और एक पिल है उसमें विटामिन सी है। अब जब आप संतरे से विटामिन सी लेंगे और एक पिल से विटामिन सी लेंगे, संतरे का विटामिन सी कहीं बेटर ट्रिक से अब्सॉर्ब होता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ विटामिन सी तो अब्सॉर्ब कराना है, लेकिन उसके साथ के ट्रांसपोर्टर्स, बाकी सारे एंजाइम्स जो एक्चुअल में उसके अब्सॉर्प्शन में हेल्प करते हैं और जो हमें पूरी तरह से पता भी नहीं है अभी, वो मिस कर जाते हैं। अब जो ये मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है इससे हमें खासा फायदा मिल नहीं पाता। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज तो ठीक थी, वो ये थी कि जैसा विटामिन सी का स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम रेप्लिकेट कर दिया जाता है, तो चांसेस फिर भी रहते हैं जो कि बहुत कम है कि हमें शायद कोई एब्जॉर्प्शन हो जाए। लेकिन जो मैं नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक की बात करने वाला हूँ वो बेसिकली स्ट्रिक्टली सिंथेटिक। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है किसी भी विटामिन की या किसी भी मिनरल की, वो रेप्लिकेट कर दी जाती है, लेकिन उसकी शेप क्या होती है, कैसे उसको एडजस्ट करना होता है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। तो जब इस टाइप के मल्टीविटामिन हम बॉडी में लेते हैं तो बॉडी इनको बिल्कुल रिजेक्ट कर देती है और सारा आपके यूरिन के थ्रू पास आउट कर जाता है। तो नॉर्मली जो मार्केट में सस्ते मल्टीविटामिन हैं वो ये टाइप की टेक्निक यूज करते हैं, तो उनके जो लेबल्स देखने में अच्छे लगेंगे, विटामिन सी इतना है, विटामिन ए इतना है, विटामिन बी12 इतना है, लेकिन
ऑल इन ऑल देखा जाए तो उसका कोई भी फायदा नहीं होता। अब भाई इसमें होता क्या, जैसे मैं विटामिन बी वन की बात करूं, विटामिन बी वन जो है उसका जो रॉ मटेरियल है, उसका रॉ मटेरियल कोल टार है या फिर एसिटिलीन है या कुछ दूसरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो ये चीजें बेसिकली वहां से ली जाती हैं, ना कि कोई कहीं अच्छे फ्रूट से वेजिटेबल से। तो ये सारी चीजें वहां एक्सट्रैक्ट करके एक पिल में डाल के फिर हम इनको खाते हैं, देख कितना ही फायदा हो सकता है। आजकल एक नई टेक्निक आई, इसे बोलते हैं फूड कल्चर टेक्निक मल्टीविटामिन बनाने की। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जैसे मान लीजिए न्यूट्रिशनल यीस्ट होता है, जिसे हम खमीर भी बोलते हैं, या फिर एल्गी होता है, तो इन जो ये जो प्लांट्स होते हैं इनको कुछ सिंथेटिक रॉ मटेरियल्स फीड किए जाते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। तो माना यह जाता है कि जब हम इनको सिंथेटिकली कोई चीज फीड कर रहे हैं तो फाइनली जब यीस्ट थोड़ा ग्रो करेगा या एल्गी थोड़ा ग्रो करेगी, तो जब उस चीज को हम खाएंगे उसमें जो विटामिन कंटेंट है, मिनरल कंटेंट है, वो अच्छा होगा। क्या ही होता है, बिल्कुल होता है, इसमें जो कंटेंट उसमें आ जाता है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है गाइस, इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये कंटेंट इतना सारा नहीं होता जितना उनकी लेबल से बताया गया होता है। ये भी 10 से 15% नेचुरली आता है और बाकी बस डोसेज स्पाइक अप करने के लिए उसमें सिंथेटिक जो विटामिन है, सिंथेटिक मिनरल्स हैं, वो मिक्स किए जाते हैं। गाइस अगर आप कोई मल्टीविटामिन खाते हैं, उस मल्टीविटामिन का अगर सोर्स उस पर नहीं लिखा, तो आप बिल्कुल वो कंपनी मैन्युफैक्चरर से ईमेल करके पूछ सकते हैं कि इसका सोर्स क्या है, वो जानना आपका एक राइट है। अगर वो नहीं बताते तो आपको वो जो मल्टीविटामिन है उसी टाइम पे खाना बंद कर देना चाहिए। फिर तो हिस्ट्री बताता हूँ मल्टीविटामिन की, सबसे पहले शुरू कब हुए थे, जब वर्ल्ड वॉर टू हुई थी उससे पहले काफी सारे मल्टीविटामिन बनने शुरू हो गए थे और काफी सारी चीजें लोगों में पुश की गई थी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या मल्टीविटामिन के इंट्रोडक्शन से डिजीज रेट, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, बाकी सब चीजें कम हुई हैं, गाइस कोई अच्छे इंस्टीट्यूट की स्टडी ये बिल्कुल नहीं बताती। ऑन द कॉन्ट्ररी हर जगह जितने रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट्स हैं वो यही बोलते हैं आपको, ईट योर वेजिटेबल्स, ईट योर फ्रूट्स। गाइस मैं भी आपको यही बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, अभी तक तो बिल्कुल नहीं आया। तो आपको अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सब्स्टिट्यूट इन पिल्स की फॉर्म में ढूंढना बिल्कुल बंद कीजिए। फ्रूट्स और वेजीज को प्रायोरिटी पे खाइए ताकि आपको उनके विटामिन और मिनरल जो है सारे के सारे मिले। कई आपने देखा होगा काफी सारी मल्टीविटामिन के जो डब्बे होते हैं उन पे लिखा होता है नॉट इंटेंडेड टू ट्रीट, डायग्नोज और क्योर एनी डिजीज। कहीं से क्योर डिजीज कैसे करेंगे, इनमें जो चीज है हमारी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकती। लेकिन गाइस अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ढंग से खाते हैं तो दे कैन डेफिनेटली क्योर लॉट ऑफ डिजीजेस। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।